मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शैलेश नगर में रहने वाले हारून शेख पर रिजवान शेख ने चाकू से वार कर दिया है। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में हारून शेख को अस्पताल पहुंचाया। हारून शेख के हाथ में कई टाके लगे। दरअसल हारून शेख ने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ में शैलेश नगर के संयोग शॉपिंग सेंटर के चौथे मंजिले पर रहते हैं और आरोपी रिजवान शेख वैसे तो ये मुमरा के चरनीपाड़ा में रहता है, मगर संयोग में ही चौथे मंजिल पर रिजवान शेख की सास का घर है और अक्सर रिजवान शेख यहां आकर हंगामा भी मचाता है। इसी तरह से कल सुबह 8 बजे के आसपास में ही रिजवान शेख इस इमारत में पहुंचा और चौथे मंजिल पर हंगामा करने लगा। उस वक्त उसके हाथ में एक चाकू भी था और इमारत में रहने वाले सभी लोगों को चाकू के दम पर डराने धमकाने लगा और हारून शेख के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने के बाद बाहर से दरवाजे में कड़ी लगा दिया और गाली गलौज किया। हारून शेख ने किसी तरह से इमारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से घर का दरवाज़ा खुलवाया और रिजवान शेख को पकड़ा और इससे इमारत में हंगामा करने को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई। उसके बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी दौरान रिजवान ने हारून शेख के हाथ में चाकू से वार कर दिया। हारून के हाथ में लंबा वार लगा है और कई टाके भी आए। हारून शेख ने यह भी बताया कि अच्छा हुआ कि उनकी बीवी ने उन्हें बचा लिया, वरना वो चाकू से पेट में भी मारने जा रहा था। यही नहीं, हारून शेख ने यह भी बताया कि इसके पहले भी रिजवान शेख इस इमारत में आकर सबको डराता धमकाता है और उसने मेरी बीवी के साथ भी छेड़खानी की थी, मगर उस वक्त जब उसे पकड़ा गया तो रिजवान ने माफ़ी मांग ली थी, मगर अब फिर रिजवान यहां आकर गाली गलौज कर रहा है और सबको चाकू के बल पर धमका रहा है और आखिरकार उसने आज वार भी चाकू से कर दिया है। आपको बता दें कि हारून शेख ने रिजवान के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में 324-504 के तहत FIR भी दर्ज करवाई है और हमारे इस न्यूज़ को कवर करने के दौरान ही मुमरा पुलिस ने आरोपी रिजवान शेख को पकड़ भी लिया है। इस पूरे मामले में जो फरियादी है हारून शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून शेख। कहाँ रहते हैं आप? सहयोग शॉपिंग सेंटर 419 नंबर में रहता हूँ। एरिया कौन? शैलेश नगर। क्या हुआ था आपके हाथ से जो वार हुआ है, किससे विवाद हुआ था, क्या प्रॉब्लम? मेरे हाथ से ये जो वार हुआ है ना, रिजवान शेख करके या रिजवान मुर्गी बोलते हैं उसको, बच्चू बाटला खाने वाला लड़का है, उसके वाइफ का मैटर, उसके आपस के झगड़े घर में, तो वो आपस के झगड़े के चक्कर में उसने कल दिन में 8:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पे आया, मेरे दरवाजे की कड़ी मारा, मेरे को लात दरवाजे पे मारा और गाली गलौज देने लगा और पूरी बिल्डिंग वाले लोग को चाकू दिखाया, एक माले से लेके 4 माले तक सबको चाकू दिखाया कि मेरे मैटर में कोई आएगा ना तो मैं सबको मारूंगा। तो वो 4 माले पे चढ़ा, उसकी सास रहती है वहाँ पे, उसकी सास के घर पे नहीं गया, उसकी सास के घर पे उसने आवाज़ देने लगा ना तो उसकी सास का दरवाज़ा बंद हो गया। बंद होने के कारण उसने क्या किया, कड़ी मार दिया मेरे दरवाजे पे और लात मारने लग गया और गाली गलौज देने लग गया। तो मेरे को लगा कि कुछ बात होगी करके, तो बाद में मालूम पड़ा कि रिजवान है करके, तो उसने बोला कि तू नीचे आ, मैं तेरे को बताता हूँ। ये बोल के वो दरवाजे की कड़ी, तो किसी बिल्डिंग वाले को किसी का आवाज़ देके मैंने दरवाजे की कड़ी खोल दिया, दरवाजे की कड़ी खोला तो नीचे जब उतरा ना तो उसको फीट आने लगी, नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया तो उसको फीट आने लगी, तो उसको मैंने उठाने के चक्कर में हाथ से मेरे उसने सामान रख दिया, तो यहाँ पे 14 टाके आ गए मेरे को। लेकिन उसको फिट आया था तो फिर वार कैसे कर दिया? उसके पीछे सामान पीछे लगा था, मेरे को नहीं मालूम कि वो गिर गया ना, बिल्डिंग से भागते हुए नीचे उतर रहा था तो मुझे लगा कि वो गिर गया, तो मैं उसको उठा के पकड़ के बिल्डिंग में लेने के लिए आया था, तो उसको आकड़ी आई तो मेरे को क्या मालूम था कि सामान उसे पीछे लगाया करके, उसके हाथ में सामान था, पब्लिक बोल रही है, बिल्डिंग वाले बोल रहे, सबके हाथ में उसके हाथ में छुरा है करके, लेकिन उसने छुरा दिखाया नहीं था, नीचे उतारा तो छुरा यहाँ रख दिया उसने, यानी कि उठाने के दौरान आपको? हाँ, उठाया उसने मेरे को, मतलब मैंने उसको उठाया और उसको फाइट मारा ना मैंने, हाँ। उसको मारने के पकड़ने के लिए, तो उसने मेरे को उल्टा मार दिया। सबको बिल्डिंग में छुरा लेके घूम रहा था। कंप्लेंट वगैरह कुछ? FIR कराया हूँ मैंने। क्या प्लेट से क्या था? 324 लगाया और 405 लगाइए, 504, 14 टाके आए मेरे को टोटल, अंदर 7 टाके लगे हैं, 3 नस कटी है और बाहर ऊपर 7 टाके लगे, और FIR की कॉपी ये वाली है।
जो आरोपी है उसको पुलिस पकड़ के लाई है? नहीं, उसके वालिद साहब को लेके आई, अभी पकड़ के लेके आए। हम लोग ने कंप्लेंट डाले ना, ज्यादा फोर्स लगाए तो उन लोग ने अभी आए, तो अभी आप लोग के माध्यम से इंशाल्लाह अगर कुछ कार्रवाई है जो भी है वो सही तरीके से हो जाए। मेरे को उसका वालिद साहब बोल रहा है कि हम लोग ने दो बार उसको छोड़ चुके हैं। पहली बार ये हुआ था कि वो मेरी वाइफ के ऊपर नज़र डाल रहा था, तो मैंने उसको मारने के लिए गया था, तो हम लोग ने उसको, मेरी वाइफ ने बोली कि हम लोग को कुछ मगजमारी नहीं करनी की करके जाने दो, तो हम लोग ने उसको समझा दिए, तो उसने माफ़ी तलाफी मांगा, बहन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मेरे से गलती हो गई, मैं मेरी औरत को बोलने जा रहा था लेकिन तुम बीच में आ गए थे करके, तो उसने माफ़ी तलाफी मांग के छोड़ दिया। अब उसका बाप बोलता है कि मैंने उसको चौपर नहीं मारना चाहिए था करके, मुझे उसका बाप रिजवान का बाप जो है मुन्ना मेरे को और पेट में मेरे मारने के लिए आया, तो मेरी वाइफ मुझे बचा ली, और एक अवैश दरी वाला है उसने मुझे हॉस्पिटल पे लेके जाके मेरी हेल्प बहुत की है बंदे ने। कल सुबह में 8:30 बजे हुई है, 8:30 बजे वो दरवाजे के पास आया है, आधे घंटे के अंदर ये पूरा मामला गड़ा। अगर अभी और होगा तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इंशाल्लाह ये जो भी तकलीफ है मेरे को, मुमरा पुलिस से किस तरह की अपील करना चाहेंगे अपने जान को लेकर? मैं मुमरा पुलिस चौकी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मुजरिम को छोड़ा ना जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसकी वाइफ का मैटर है तो वो अपने घर में जाके जो भी मैटर है वो सॉल्व करे, किसी और को परेशान करने का उसको राइट नहीं बनता। और उसने बिल्डिंग के अंदर सबको आके वो धमकाना डराना वो चीज़ें उसने नहीं करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बिल्डिंग में आपको अगर पूछताछ करनी है आप आके बिल्डिंग में सबको पूछताछ कर लीजिए, 4 नंबर से लेके 23 नंबर तक उसका रूम है, आप वहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं कि इसने सबको चाकू दिखाया है। वो एक बुढ़ी औरत है 7 नंबर में रहने वाली, वो डर गई है, 8 नंबर वाली का दरवाज़ा खुला नहीं था, उसके दरवाजे पे मेरे दरवाजे पे लात मार के उसके दरवाजे पे गिर गया है वो। मैंने उससे पूछने के लिए गया तो वो गिर गया, तो मैंने उसको छाती पे फाइट मारा हूँ ना, आकड़ी आ गई उसको, फीट आ गई, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई अपनी वजह से मर कुछ हो जावे, तो मैंने उसको उठाया लोखंड पकड़ने के चक्कर में, तो वो बंदे ने क्या किया आपको पता है, मेरे को ही मार दिया। अगर मारना ही होता तो अपन नहीं मार सकते थे उसको, लेकिन अपन ने ये चीज़ नहीं की, अपन चाहते नहीं कि बिल्डिंग में कोई झगड़ा हो, आपस में कोई लफड़ा हो, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा दांगड़ है। मैं पुमरा पुलिस से भी और आपके माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से इंशाल्लाह चाहता हूँ कि इसका मुझे हल निकले, मेरी जाल माल को तकलीफ ना हो, मेरी वाइफ और मैं घर में रहते हैं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि ये मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें, उसको अरेस्ट करें।